दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्यों आखिर बड़ी कंपनीज अपने इलेक्ट्रिक कार पर सोलर पैनल क्यों नहीं लगाती, और कई कंपनियां इसको सपोर्ट करती हैं तो कई कंपनियां इसको पे बात ही नहीं करना चाहती। आखिर क्या रीज़न है क्यों कोई इलेक्ट्रिक कार पर सोलर पैनल नहीं लगा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया की खबरों को से जुड़ना चाहते हैं तो मेक श्योर ईवी वर्ल्ड को जरूर करें सब्सक्राइब। आइए एनालिसिस को शुरुआत करते हैं ऑन द फर्स्ट रीज़न। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस दिन इलेक्ट्रिक कार्स पे सोलर पैनल लग गई उस दिन से चार्जिंग स्टेशंस की और बिजली बिल का खर्चा कम हो जाएगा, जिसके कारण इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपनीज की कमाई और सरकारी कमाई पे बहुत गहरा इफेक्ट पड़ेगा जो कि चार्जिंग से वो कमा रहे थे। क्योंकि सोलर पैनल तो भैया किसी के दादा का तो है नहीं कि आप उस पर टैक्स लगा दोगे, वो तो धूप है पड़ेगी आपके सोलर पैनल पे, आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो पहला मुद्दा ये है कि कमाई खत्म हो जाएगी। जी दोस्तों, जैसे कि चार्जिंग स्टेशंस लोग लगाते हैं, अब आप घर से चार्ज करोगे कहोगे तो भाई घर पे भी तो वो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उसका बिजली बिल आपको देना है, तो इनडायरेक्टली किसी न किसी की तो कमाई में इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो वो कंपनी कभी नहीं चाहती किसी भी सरकार का कमाई कम हो या फिर किसी चार्जिंग स्टेशन कमाई कम हो, भले ही आपका जेब खाली हो जाए। दूसरा दोस्तों, जो सोलर पैनल है इसको लगाने से गाड़ियों की कीमत बढ़ जाती है। जी दोस्तों, अब एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ रही है ये एक मुद्दा है, लेकिन लगने के बाद जो कॉस्ट आपका जेब से पैसा बचेगा वो भी तो एक मुद्दा है, लेकिन कंपनी कहती है नहीं भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट है हम नहीं लगाएंगे, तो ये मनमड़ी वाली बात है। नंबर तीसरा एनालिसिस दोस्तों जो मैंने निकाला, उसमें ये देखा कि जो सोलर पैनल होते हैं ना गाड़ियों पे जो लग रहे हैं, छत बहुत छोटा होता है ना, तो जो सोलर पैनल है वो लिमिटेड लगा सकते हैं। करीबन एक रिसर्च में, मतलब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, वहाँ पे पाया गया कि अगर हम एक नॉर्मल से सोलर चार्जर लगाते हैं छत पर, मान लो सोलर पैनल लगा देते हैं, तो एक घंटा के धूप पे वो 5 किलोमीटर ही चल सकता है, जो कि बहुत कम रेंज है। पर मेरे भाई जरा 2 मिनट ध्यान से सोचना, एक घंटे के चार्ज पे अगर 5 किलोमीटर चल रही है तो भारत में जिस हिसाब से धूप पड़ती है, और अगर आपकी गाड़ी 4 घंटा भी खड़ी है ना घर के बाहर, तो आपने 20 किलोमीटर का रेंज ऑटोमेटिकली बना लिया है, और फिर आप शहर में 5-10 किलोमीटर तो अप डाउन कर ही सकते हैं, तो यहाँ भी आपका फायदा ही होगा। और यहाँ पर और चौथा रीजन में बात करूँ दोस्तों, देखिए यूरोपियन जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका सोलर पैनल पे क्यों नहीं इतना ध्यान जाता है, पहला रीज़न ये है यूरोप में अधिकतर जगह ठंडी पड़ती है, ज़्यादा धूप नहीं आती है, मतलब उतनी गर्मी नहीं पड़ती है, तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई सोलर पैनल लगा भी दिया कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, और जब धूप ही नहीं पड़ रहा है तो भाई लगा के फ़ायदा क्या। वैसे भी एक घंटे में 5 किलोमीटर इंडिया से कंट्री में चलेगी, वहाँ शायद 2 या 3 किलोमीटर चले बहुत बड़ी बात है, तो कम धूप के कारण वहाँ कंपनी नहीं जोड़ती थी। लेकिन वहीं अफ्रीका की मैं बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो यहाँ भैया जो गर्मी पड़ती है ना, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, बहुत ज़बरदस्त पड़ती है, तो इस हिसाब से कंपनी थोड़ी सी भले खर्चा बढ़ जाए, बढ़ने दो, लेकिन हाँ सोलर पैनल लगा देना चाहिए। अरे यार, कौन सा गाड़ी आपका जब लगातार चलता है तो चार्ज कर लेना, लेकिन लगातार चलते वक्त भी तो आपका गाड़ी चार्जिंग हो रहा है, ये एक प्लस पॉइंट है जिसके वजह से सोलर पैनल लगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भारत की भी कुछ, यहाँ पर क्या कहते हैं लोग, मतलब जिस दिन सोलर पैनल लग गया सोलर चार्जिंग स्टेशन पे कमाई आधी हो जाएगी, जो आप बिजली का बिल लगा रहे थे सरकार को पैसे जा रहा था वो भी आधा हो जाएगा, और यहाँ पे आम आदमी ही परेशान होता है घुमा फिरा के। तो देट इज़ द रीज़न कि सोलर पैनल क्यों नहीं लग रहा इलेक्ट्रिक कार पे। आप क्या राय रखते हैं इस बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सोलर पैनल गाड़ी की छत पे चाहिए या नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ईवी वर्ल्ड को। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।